नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी है। भले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहे चौथे टेस्ट मैच का कोई नतीजा नहीं आया और टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, लेकिन फिर भी भारत WTC के फाइनल में पहुंच गया है। तीसरा टेस्ट मैच हारकर और चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ होकर भी भारत कैसे WTC के फाइनल में पहुंच गया, ये सब हम वीडियो में आगे बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। WTC के पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर थी और उन्होंने फाइनल में पहली जगह बनाई थी, लेकिन भारत पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर था और श्रीलंका भी पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर थी। लेकिन अब भारत का फाइनल में पहुंचना पिछली बार की WTC की चैंपियन टीम न्यूजीलैंड के हाथ में था, क्योंकि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही थी। इस सीरीज की दोनों मैच में श्रीलंका जीत जाता तो भारत फाइनल में जाना मुश्किल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न्यूजीलैंड ने एक रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर श्रीलंका को हराकर जीत हासिल की और भारत WTC के फाइनल में पहुंच गया। इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है और भारत लगातार दो बार WTC के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। अब WTC का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर 7 जून को होगा। पिछली बार फाइनल में पहुंचने के बाद भी भारत की टीम WTC का फाइनल जीत नहीं पाई थी, लेकिन भारत के पास एक और मौका है और भारत का हर एक खिलाड़ी इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। हम सभी क्रिकेट फैंस भारत की जीत के लिए दुआ करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर भारत की जीत के लिए दुआ करो और कमेंट करो। ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी खबरें और समाचार जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।